सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके का न्यूज जबरदस्त ट्रेंडिंग वाला गाइस। सर यहाँ पर हैप्पी बर्थडे स्टेटस एंड गाइस सर देखने में काफ़ी ऑसम लगता है। सो एंड यूनिक वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक जरूर से करना और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अलाइट मोशन एप्लीकेशन, देन गाइस आपको इन तीनों प्रेसेट को इंपोर्ट कर लेना है। और जैसे कि आप बीटमार्क के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्रेसेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं गाइस यहाँ पर स्टार्टिंग पर आऊँगा एंड के जो फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो ग्रुप है गाइस आप उस पर टैप करना, देन एडिट पर जाना, देन सेकंड ग्रुप पर एंड फिर एडिट पर जाना और अंदर गाइस आपके ग्रीन स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पर गाइस आप रिप्लेस कर देना अदर कोई फोटो से एंड गाइस ये डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से चले आना है बैक, ठीक है। आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से बैक आएंगे। देन यहाँ पर जो कोई सर ग्रुप है उसका जो साइज़ है वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग इसे कुछ तरीके से कम कर लेंगे, ठीक है। तो इतना काम कैसे हमारा हो चुका है। अभी कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेकंड ग्रुप पर जाएंगे, एडिट पर जाना है, देन ग्रुप एडिट पर जाना है और जो ग्रीन स्क्रीन है वही यही सेम स्टेप करने वाले हैं, मतलब फ़ोटो को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हमने इतना कर लिया है और यहाँ पर कैसे हमें ऐड करना है कैसे फोटोज़, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे आपको आना है फोटो इफेक्ट के अंदर और यहाँ पर कैसे आपको ऑलरेडी टेक्स्ट देखने को मिलेगा हैप्पी बर्थडे। आपको इस यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली इस कलर एंड फिल पर जाना, स्टार पर जाना और जिस फोटो को ऐड करना चाहते हो आप उस फोटो को ऐड कर लेना। तो एग्जाम्पल के इस यहाँ पर एक नॉर्मल मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ या फिर वही फोटो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं प्लस पर क्लिक करूँगा, देन गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको कट करना है टेक्स्ट पर, देन कट करने के बाद गाइस यहाँ पर जो हैप्पी बर्थडे लिखा है आपको इसे कट कर देना है एंड टू यू को भी कट करना है। तो पहले गाइस हम लोग यहाँ पर हैप्पी बर्थडे कट करेंगे एंड आप गाइस यहाँ पर विश यू या फिर विशिंग यू लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस आप जो टू यू लिखा है आप यहाँ पर जी वगैरह लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे मैं कट करूँगा देन आप यहाँ पर जी लिख सकते हो या फिर गाइस आप यहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे और अच्छा लगेगा दिखने में। एंड इसी गाइस हम लोग कट कर देंगे बी को, एस्ट्रा हमारा स्पेलिंग मिस था, उसके बाद आप इसे कैप्चर कर देना, देन आप इसे सेव कर लेना एक्सपोर्ट करके एंड ऐसे कि आप हैप्पी बर्थडे को भी सेव कर लेना, ठीक है। आप चाहे कि इस यहाँ पर अलग अलग फोटोज़ के साथ ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको जो कलर है वो डाउन हो चुका है, आप होल्ड प्रेस करना है, देन के जो लेयर है आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। हो गया, उसके बाद आप इस सिंपली से कैप्चर कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, देन गाइस आपको आना है बीटमार्क प्रेसेट के अंदर और यहाँ पर गाइस आप या तो फोटो ऐड कर सकते हो या फिर गाइस आप यहाँ पर अगर इफेक्ट लगाना चाहते हो तो आपको प्रेसेट ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस नॉर्मली मैंने ऐसे ऐड करके आपको दिखा दिया, तो ये आपको ऐसे ऐड नहीं करना, आपको जाना है प्रेसेट के अंदर और आपको यहाँ पर दो लेयर मिलेंगी, इन दोनों लेयर्स को कॉपी करना है, ऊपर वाली ग्रुप प्लस लेयर एंड आना बीट मार्क पर और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एंड गाइस आपको सिंपली नीचे वाली जो लेयर है आपको उस पर टैप करना है, देन कलर पे जाना है और फोटो ऐड कर लेना है, देन ग्रुप पर जाना है, एडिट पर जाना है, देन गाइस आपको फोटो ऑप्शन पर जाना है और फोटो ऐड कर लेना है, तो सेम फोटो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इतना काम का हो चुका है आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आना, देन पेस्ट करना है और सेकंड ग्रुप है आपका, तो आपको कलर एंड फिल पर जाना है और फोटो ऐड करना है। सो यहाँ पर गाइस आपने फोटोज को ऐड कर लिया है और फोटोज ऐड करने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पर जो ना देख सकते हो आपको वीसीओ कुछ तरीके देखने को मिल रहा है एंड गाइस आपको ब्लैक एंड कलरफुल आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि देखने में काफी ऑसम लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नॉर्मल फोटोज ऐड करना है जो कि इजी है। देन इसे फुल स्क्रीन करना है
एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करना है, देन फिर से कि आपको मीडिया पर जाना है, फिर से करना है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करना है। ओके एंड उसके बाद आपको इफेक्ट पे जाना है, देन गाइस आपको इसके ऊपर के अंदर आप सिंपली गाइस यहाँ से कॉपी करना एंड गाइस बैक चले आना और गाइस आपको ना बीट मार्क के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस आपको यहाँ पर सेकंड इफेक्ट को कॉपी करना होगा, देन गाइस आप इसे कॉपी कर लेंगे एंड यस यहाँ पर लगा के आपको सेकंड इफेक्ट पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर दो ही इफेक्ट अप्लाई होंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद हैप्पी बर्थडे का जो पीएनजी आप इसे कॉपी करना, देन बीट मार्क के अंदर आना देन यहाँ पर लगा के पेस्ट कर देना, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने सारा कुछ पेस्ट कर दिया, फर्स्ट इफेक्ट कॉपी करेंगे देन यहाँ पर लगा के पेस्ट करेंगे, सेकंड इफेक्ट कॉपी करेंगे देन सेकंड फोटो के बाद जो फोटो से वहाँ पर अपन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो ना यहाँ पर क्या करना है, जो इसका लेंथ है वो आपको ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है एंड इस आपको यहाँ पर किस आप चार लेयर्स को देखेंगे, इन चारों लेयर्स को कॉपी करना है देन बीट मार्क पे आना है एंड यहाँ पर लगा के पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ से कट कर देना है और आगे जाके गाइस आपको फिर से पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा आप उसे ट्रिम कर देना, इस तरीके से आपको जो स्टेटस है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा एंड बहुत इजी एंड अच्छे तरीके से गाइस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली गाइस आप उसके बाद सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करना और अब चैनल अपना सब्सक्राइब कर लेना।